ब्रजमाथी श्री कृष्ण मथुरा चाल्या जता व्रजनी कुंज यमुनाना तीर वगैरे सूना थई गया हता। गोपीओने श्याम विना चैन पड़तु न हतु, पण मथुराना लोको माटे ए संध्या दिव्य बनी गई हती। ज्यारे श्री कृष्ण बलराम मथुरामां पहुंच्या, बालकृष्णना पराक्रमोनी वातो मथुरावासीओए पण सांभळी हती। नगरना मार्गो पर पसार थई रहेला बन्ने पराक्रमी बाळकोने निहाळवा लोको मार्गो पर एकठा थई गया हता। मथुरामां श्री कृष्ण बलरामने धोबीनी दुकानमां टींगाता रेशमी वस्त्रो गमी गया। धोबीने वस्त्रो आपवानी विनंती करी, पण कंसराजाना धोबीए गर्व साथे ना भणी देता श्री कृष्णए धोबीने लपड़ाक मारीने दुकान बहार फेंकी दीधो। पछी मनगमता पीळा काळा रंगना वस्त्रो धारण कर्या। गोकुळ वृंदावनमां फक्त पीतांबर पहेरीने रहेनारा श्री कृष्णए मथुरामां प्रथम वखत ज सीवेला वस्त्र पहेर्या हता। मथुरामां फरता फरता श्री कृष्ण बलराम आगळ जता हता त्यारे एक माळीए प्रशंसापूर्वक सुगंधी निर्मल फूलो भेट आप्या, तो नेकवक्रा नामनी कुब्जा दासीए सुगंधित तेल बन्ने भाईओने मालिश माटे खुशीथी आप्यु। कंसनी दासी होवा छता नेकवक्राए सुगंधी तेल आपता प्रसन्न थयेला श्री कृष्णए अंगेथी साव वाकी चूकी वड़ेली आ कुब्जा दासीने पोताना हाथ वड़े पकड़ी ऊंची करीने अंग सीधा करी दीधा। आ कार्यने कारणे કેટલાક વૈદો શ્રી કૃષ્ણ હાડ વૈદુના જાણકાર હતા તેવું પણ માનવામાં આવે છે।